नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एडिशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार करोड़ों फैंस को होता। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वर्ल्ड कप 2023 के 37वें मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी लगाई। विराट पहले दो मैचों में 49वें शतक से चूके थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में इस दिग्गज खिलाड़ी ने इस मुकाम को हासिल कर लिया। उन्होंने मात्र 277 पारियों में यह मुकाम हासिल किया। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 451 पारियों में यह वर्ल्ड कप कीर्तिमान बनाया। जैसे ही शतक पूरा हुआ, पत्नी अनुष्का शर्मा का रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोहली ने सबसे ज्यादा ओडीआई शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। अब एक शतक और कोहली के नाम होगा और वर्ल्ड कप रिकॉर्ड कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर का तोड़ देंगे। विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने कोहली को इस खास शतक की बधाई देते हुए लिखा कि अपने बर्थडे पर खुद को प्रेजेंट। इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुष्का को कितनी खुशी है। अनुष्का का ये रिएक्शन पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोलकाता की पिच बल्लेबाजी के लिए इतनी आसान नहीं थी। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट क्रीज पर आए और उसी के दौरान स्पिनर्स को काफी टर्न मिल रहा था। विराट पर प्रेशर तब और बढ़ गया जब केशव महाराज ने बेहतरीन गेंद पर शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। टीम इंडिया बैकफुट पर आ रही थी, लेकिन इसके बाद विराट ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर क्रीज पर डटे रहे और दोनों के बीच 134 रनों की साझेदारी हुई। विराट ने 67 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 119 गेंदों में वो ऐतिहासिक शतक तक पहुंच गए। विराट कोहली ने वनडे में सबसे ज्यादा 10 शतक श्रीलंका के खिलाफ लगाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट के 9 शतक हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 8 सेंचुरी जड़ी है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट ने 5-5 शतक लगाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच विराट ने 3-3 सेंचुरी लगाई। जिम्बाब्वे के खिलाफ विराट ने 1 शतक लगाया। पहली इनिंग खत्म होने के बाद विराट कोहली ने बताया कि उनके लिए यह शतक बेहद खास है। अपने बर्थडे पर सेंचुरी ठोकना हमेशा से एक सपने की तरह रहा है। विराट के मुताबिक ईडन गार्डन्स की पिच पर गेंद रुक रुक कर आ रही थी, जिसकी वजह से शॉट खेलना आसान नहीं था। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी विराट कोहली को बधाई दी। सचिन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बधाई हो विराट। आपको बता दें कि विराट कोहली लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में 50 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। उनके वनडे में 49 और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक है। विराट कोहली जब क्रीज पर आए उस वक्त गिल उनके साथ खेल रहे थे, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 93 रन हो गया था। कोहली का पूरा ध्यान इस वक्त विकेट बचाने की तरफ था, क्योंकि तीसरा विकेट गिरने पर मुश्किल हो सकती थी। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। कोहली की पारी से साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने फिनिश करने के उद्देश्य से बैटिंग की है। उन्होंने पिच की अच्छी समझ हो गई थी और नई गेंद से ओवर जाने के बाद पिच काफी धीमी हो गई थी। ऐसे में तेजी से रन बना पाना आसान नहीं था। विराट कोहली को यह बात समझ आ गई थी। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि बेखबर मिस ना होने पाए।